अभी पहले मैं अपने जवानों का और वो कल्चर कार्यक्रम था उसका मैं प्ले देख रहा था। उसको देख करके मुझे उन शहीदों की याद आई जो 26/11 में हजारों बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए हजारों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए कटरे जैसे ओबले जैसे जिन्होंने कसाब को पकड़ा अपने सीने पे गोलियां खा करके इस भारत माता की आजादी की रक्षा की। और मैं उन जवानों को याद कर रहा था उनको देख करके, मेरे ऊपर 14 बार बम ब्लास्ट हुए, गोलियां चली और यही सीन याद आ रहा था कि अपनी आंखों के सामने अपने उन जवानों के शरीरों को उड़ते हुए देखा, उनके हाथों को उड़ते हुए देखा, खून बहता हुआ देखा तो मैं भावुक हो गया। और यही कहना ठीक था कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है के निर्माण के लिए चल पड़े। आज हमें आपको देख के इस देश के ऊपर कोई फिक्र नहीं कि हमारा देश किस रास्ते पे जाएगा, आप उस देश की रक्षा करेंगे, मैं यहां उम्मीद करता हूं आपसे। एक तरफ हमारे नौजवान बर्फों पे समाधि ले रहे थे भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए, और एक जवान मौत पे लड़ रहा था और दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में के अंदर नारे लग रहे थे, भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे, केरला को आजादी लेके देंगे, बंगाल को आजादी लेके देंगे, पंजाब में फिर खालिस्तान बनाएंगे। क्या ये आज के स्टूडेंट, इसको कहा जाता है भगत सिंह, वो भगत सिंह आपकी तरह भगत सिंह जिसने फांसी के रस्से को 23 साल की उम्र में चूमा, 23 साल की उम्र में स्टूडेंट लीडर था भगत सिंह, फांसी के रस्से को हाथ पास के चूमा। पता है कि मौत सामने है, वो चाहते तो वो फांसी के फंदे से बच सकते थे, पर वो आपके लिए आपके नौजवानों के लिए बचे नहीं, फांसी के रस्से को हंस हंस के चूमा। जब कहने लगे जज तुम हंस रहे हो, भगत सिंह कहते हंस के, जज साहब आज तो हमें यहां हंसने से रोक सकते हो, पर जब वंदे मातरम भारत मां की जय करते हुए हम फांसी के रस्से को हंस हंस के चूमेंगे, क्या जज साहब उस वक्त भी हमारी हंसी क्या बंद कर लोगे? वो था भगत सिंह। जब शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे को रस्ते को चूमने के लिए जाते हैं, मैं बार बार इसलिए स्टूडेंट लीडर का नाम ले रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपका वो आदर्श है भगत सिंह। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से कुर्बानी दी है, पर आपका लीडर वो स्टूडेंट था भगत सिंह, उस वक्त का लीडर स्टूडेंट भगत सिंह, और आज का आपका लीडर था अब्दुल कलाम, जो हमारे में रही नहीं रहे, वो आपके लीडर थे। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, कैसे समाप्त होगा? रोज उनको पैकेज दोगे, 500 करोड़ जो आतंकवादियों के नेता हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर खर्च होते हैं, हमारे जवानों की रोज लाशें आती हैं, हमारे खून पसीने का पैसा, हिंदुस्तान का, आपके माता पिता का पैसा, सबका पैसा वहां पे लगता है, कैसे ये चलेगा देश? गोली का जवाब गोली देना होगा। मैं नहीं कहता किसी इनोसेंट का कत्ल किया जाए, किसी इनोसेंट को मारा जाए, पर जो हमारे कश्मीर को तोड़ने की बात करता है, जो हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, जो हमारे कश्मीर के अंदर ISIS के नारे लगाता है, वो कश्मीर के अंदर हमें गोली का जवाब गोली का पंजाब की तरह देना होगा, तब जाके कश्मीर ठीक होगा। जहां तक आतंकवादियों की बात है, जिसने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया मेरे ऊपर, 35 बेगुना लोग मेरे साथ शहीद हुए, लाशें बिछ गई, आतंकवादी पॉलिटिक्स की बात सुनाता हूं, एक है आतंकवाद, एक है पॉलिटिकल टेररिज्म। राजनीतिक आतंकवाद का मैं आपको थोड़ी सी शब्दों में बताना चाहता हूं। आज से काफी समय पहले मूवर एंड शेखर में एक इंटरव्यू आई, उसमें मुझे बुलाया गया और उसने मेरे से एक सवाल पूछा शेखर सुमन ने कि इतने बम चले आपको मौत से डर नहीं लगता?
मैंने कहा मौत तो मेरी दोस्त है, मौत तो मेरी दोस्त है, बम तो मुझे फूलों की तरह लगते हैं। जब मौत आएगी तो मेरे बच्चे भी कहेंगे हमारा पिता देश के लिए शहीद हुआ है, हमारे दोस्त भी कहेंगे हमारा दोस्त देश के लिए शहीद हुआ है। पर मैं एक चीज से जरूर डरता हूं कि तो जब तुम मौत से नहीं डरते तो फिर किस चीज का तुम्हें डर है। मैं कहा मैं डरता हूं, मैं राजनीति आतंकवादी और राजनीति की गिरावट से डरता हूं। बम्बोस गोलियों से मौत आएगी तो शहीद कहलाऊंगा, अगर राजनीति आतंकवाद से मेरी मौत आई, मेरी मौत और जानवर की मौत में फर्क नहीं रहेगा। इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। अब जब कई बार डिस्कशन होती है बड़े बड़े चैनलों के अंदर, एडवोकेट कहते हैं ये मेरा पेशा है, ये मेरा काम है, तो मैं उनको सामने कहता हूं, मैं क्या ठीक है, आपका काम है पैसा कमाना, आपका काम पेशा है, मेरा काम है भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए बार बार बम खाना, मेरा पेशा, मेरा कोई ऐसा नहीं है। आपको कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मेरी समझ में नहीं आता ये खो क्या रहा है देश के अंदर। पंजाब के अंदर हमने भी तो लड़ाई लड़ी, हमें तो कहा जाता था ये कौम का गद्दार है, हम कहते थे हमने जो कुछ किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने मजलूमों की रक्षा करते हुए अपने चार बच्चों को साहबजादों को नीहों में चिनवा दिया, मैं उसकी सोच के ऊपर चलता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं। मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या है, चैनलों के अंदर पूछता मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम, ये भारत माँ में पैदा हुआ और भगवान के उठ के सुबह प्रार्थना करता हूँ जब मेरी मौत आए मुझे इतना वक्त दे देना, भारत माता की जय वंदे मातरम, ये भारत माँ ये वंदे मातरम, कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई, इस भारत माता की मिट्टी पे ही हमने थमाना है, फिर कौन सा मजहब कौन सा धर्म, ये मजहब और धर्म कास्ट ने हमारे देश को कमजोर कर दिया है। क्या आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी भारत को आजाद कराने के लिए, कि आज वो लड़ाई कहां चली गई, आज लड़ाई हमारी अलग अलग क्यों होगी, हम इन बच्चों को हम इन स्टूडेंट को हम गलत सोच क्यों दे रहे हैं, हम आपके आदर्श हैं, आप हमारे से कुछ सीखते हैं, हमको आप में मजहब और धर्म में नहीं बांटना है, हमें भारत को मजबूत करना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको एक चीज जरूर कहूंगा, मैं भी आपके सामने हूं, स्टूडेंट से निकला हूं, आज मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे होता, 96 में मैंने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी, अभी गवर्नमेंट बनी एमपी का टिकट मिला, मैंने कहा ना ये मेरा काम नहीं है, मैं एक अपने मिशन में चलूंगा उसी में चलता रहूंगा। बड़े संदोलन करने के लिए आएंगे, अन्ना हजारे जी भी आए, केजरीवाल जी भी आए, तिरंगा झंडा भी हिलाया गया, वंदे मातरम भी बोला गया, भारत माता की जय भी बोली गई, आप भी उस आंदोलन में शामिल हुए, मैं भी घर बैठा उस आंदोलन में शामिल हो गया, वहां नहीं किया, हो सकता है इस भारत को नई आजादी मिलेगी, हो सकता है इस भारत के अंदर करप्शन दूर होगी, हो सकता है भारत के अंदर एक नया महात्मा गांधी जन्म लेगा। और क्या अभी राम जेठमलानी जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले, पर शायद मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ, बहुत बेगुनाह लोग मारे गए, सुरक्षा कर्मचारी शहीद हो गए, अगर वो ब्लास्ट कम से कम आधा घंटा पहले चलता तो 500 के करीब लोग मारे जाते, 45 केजी आरडीएफ कार में ब्लास्ट था, रोहित जी बैठे हैं पिक्चरों में ब्लास्ट होते हैं काड़े उड़ती हैं, वो रियल ब्लास्ट था, और क्या हुआ केस चला, कितने साल में कोर्ट में केस लड़ता रहा, उसके लिए कोर्ट में कौन पेश होता है आतंकवादी को बचाने के लिए, कपिल छिब्बल, उसके बाद के एस तुलसी, उसके बाद हमारे आदरणीय राम जेठमलानी जी भी उस आतंकवादी का केस लड़े, और क्या हुआ आतंकवादी बाहर आ गया, अब वो पंजाब चला गया, अब फिर वो